मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। चिकित्सा वो स्वदेशी है क्योंकि सबसे पहले आयुर्वेद से ये निकली, लेकिन बीच में क्या हुआ, इस पर भारत में काम नहीं हुआ तो ये परदेश चली गई, फिर वहां से ये वापस आई तो नाम बदल हो गया उसका। औषधि सभी आयुर्वेद की है, इसमें जितनी भी औषध है सब आयुर्वेद के। यूनानी बिल्कुल अलग चिकित्सा पद्धति है, वे यूनान माने यूरोप के देशों से निकली है, उसका कुछ कुछ मेल जोल जो है ना आयुर्वेद से है, पूरा नहीं है। जैसे हम बात पित्त कफ की बात करते हैं, उनके यहाँ सोरा सिफिलिस इस तरह के हैं, तो उनकी थोड़ी अलग है पद्धति। आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है, जर्मनी से आया नहीं। अल्कोहल तो भारत की बहुत सारी आयुर्वेद की औषधियों में है, सभी लगभग आयुर्वेद की औषधि, जितने भी आसव बनते हैं ना, आसव द्राक्षासव है, ये आसव सभी अल्कोहल है। तो अल्कोहल होने से विदेशी होना नहीं है। इसमें हुआ ये कि पहले ये भारत में निकली 3,500 साल पहले, थोड़ा इसका काम हुआ, प्रचार भी हुआ, फिर बीच में क्या हुआ कि हमारे लोगों ने उस पर ध्यान कम दिया, इसलिए कि शायद इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़े। तो धीरे धीरे जिस पर ध्यान कम दो ना, खत्म होने लगता है। तो 100-200 साल ध्यान नहीं दिया तो खत्म सा हो गया। फिर मध्य काल में आयुर्वेद जब यहाँ से बाहर गया, पुर्तगाली यहाँ से ले गए सबसे पहले, फिर पुर्तगालियों से स्पेनिश लोगों ने सीखा, स्पेनिश लोगों से जर्मन लोगों ने सीखा, तो जर्मनी वालों के हाथ में कुछ आयुर्वेद की पुरानी ग्रंथ आए जिसमें सूक्ष्म चिकित्सा है। सूक्ष्म चिकित्सा माने औषध को सूक्ष्मतम रूप में देना, तो इसका प्रभाव ज्यादा है। ये एक सिद्धांत है आयुर्वेद का, कोई औषध है जितने कम से कम में आप दोगे असर उतना ही ज्यादा है उसका। स्टीरॉयड होम्योपैथी में तो किसी में नहीं, आयुर्वेद में कभी कभी होता है, होम्योपैथी में स्टीरॉयड मिल नहीं सकता। तो इसको उन्होंने, जर्मनी वालों ने थोड़ा इसको फाइन किया, इस पे काम किया, फाइन किया, फाइन करके जब ये प्रचारित हुए तब ख्याल में आया कि ये तो पहले भी था भारत में। उन्होंने फिर क्या किया, औषधियों के नाम सब जर्मन के हिसाब से रख दिया, जर्मन फ्रेंच और उन भाषाओं से। जब मैं नाम बोलता हूँ नक्स वोमिका, ये जर्मन नाम है, या आर्निका, ये जर्मन नाम, तो ये जर्मन और फ्रेंच दो भाषाओं में से निकले हुए ज्यादा नाम, अंग्रेजी नाम उसमें बहुत ही कम है। हाँ सब बनती है नहीं, क्योंकि बनती तो सब जड़ी बूटियों से है, जैसे नीम है, नीम में से कई औषधि निकलती है, तुलस में से कई औषधि बनती है, आल में से कई औषधि बनती है, चूने की निवड़ी है उसमें से एक औषधि बनती है, कैल्केरिया फॉस, जो मैं बहुत लोगों को बताता रहता हूँ। तो ये सब औषधि ऐसे ही बनती है आयुर्वेद में से, मूल अर्थ होता है उसी में से ये सब बनते हैं। इनके बनाने की विधि ऐसी है कि जैसे मान लो मुझे ये बनाना है कैल्केरिया फॉस, तो कैल्केरिया फॉस ये जर्मन नाम है, हिंदी नाम इसका चूना है, मराठी नाम चूना है, और जर्मन नाम इसका कैल्केरिया फॉस है। तो अब हम क्या करेंगे, चूने को पानी में भिगोएंगे, ठीक है, अब ऊपर पानी आ जाएगा, तो इसमें से एक बूंद पानी लेंगे, चूने का पानी एक बूंद, और 100 बूंद एल्कोहल में उसको डालेंगे, 100 बूंद एल्कोहल में एक बूंद पानी डालेंगे, तो ये पोटेंशियल मेडिसिन जितनी कम होती जाएगी, मात्रा बढ़ती जाएगी उसकी ताकत औषधि। एक एक बूंद डाला उसमें से एक बूंद निकाल रहा है तो कितनी कम होती है औषधि। तो सूक्ष्मतम रूप में जो औषधि दी जाती है प्रभाव उसका सबसे अधिक होता है। तो ऐसा 12 बार करेंगे तब 12x तैयार होगा, और 200 बार करेंगे इसी तरह से एक एक बूंद डाल के उसमें से एक निकाल के तब 200 तैयार होगा। 1 ओम माने 1000 बार ऐसा करेंगे तब वो तैयार होगा। तो आप सोचो कि सबसे अंतिम पोटेंसी होती है CM, वो लाखों लाखों बूंद में से एक निकलती है, लेकिन काम इतना तेज करती है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता।